तुम पे मरते हैं क्यों हम नहीं जानते, तुम पे मरते हैं क्यों हम नहीं जानते, ऐसा करते हैं क्यों हम नहीं जानते। तो आप पे मरते हैं इसलिए क्योंकि आप हमें सपोर्ट करते हैं, आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, आप हमें लाइक करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और हम आपके लिए तैयार हैं हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो फिर आ चुका हूँ मैं आपके सामने एक नए क्वेश्चन पे आपको आंसर देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ कन्हैया बरे और आपको बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके अपने ब्लॉग में यानी कन्हैया बरे ब्लॉग्स में। फिलहाल तो ब्लॉग का चैनल रहा नहीं, हो चुका है ऑडिशन का, क्योंकि आप जितनी सारी वीडियोज़ आ रही है सारे ही ऑडिशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लॉग्स में बना ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉग्स भी आएंगे। तो पिछला वीडियो मैंने बनाया था इंडियन आइडल के बारे में, मैंने आपको जो बताया था जो भी नॉलेज, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर स्केल क्या होता है, आप मुझे बताइए स्केल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो स्केल है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए जब आप जाते हो ऑडिशन देने के लिए, और ये स्केल के बारे में जानकारी भी उसी को होती है जिसने संगीत सीखी हो। लाइक आप अगर संगीत सीखते हो तो आपको इस बारे में मुझसे भी ज़्यादा अच्छा पता होगा, मैं तो फिर भी आपको थोड़ा ही बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाना नहीं चाहता मैं, ज़्यादा करके लोग आधी ही वीडियो देखते हैं तो इससे पहले वो वीडियो स्किप करें। मैं बताता हूँ आपको, अगर आप जाते हो ऑडिशन देने तो आपको सबसे पहला पूछा जाएगा कि आप स्केल चेक कर लीजिए। तो स्केल जो होता है वो सुर होता है आपका। मान लीजिए अगर आप कोई गाना गा रहे हो तुम मिले, तो फिर हर कोई जो है वो इसी स्केल में नहीं गा पाएगा जिस स्केल में मैं गा रहा हूँ, तो कोई अब ऊँची स्केल में गाता है। अगर एकदम सादी लैंग्वेज में बताऊँ आपको, संगीत की लैंग्वेज भी छोड़ के बताऊँ तो एकदम नॉर्मली में बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे गाते तुम मिले, ये थोड़ा नीचे हो गया। फिर कोई गाता है तुम मिले, तो ये जो है जब आप ऑडिशन देने जाते हो ना तो ये चीज़ आपको गाकर वहाँ पर अपना स्केल बताना पड़ता है। अगर आप संगीत जानते हो तो आप माइनर सी माइनर जो भी आपका स्केल है आप बता सकते हो इस तरह से। वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट वाले बैठे रहते हैं वो आपको पूछते हैं, आप अगर इंडियन आइडल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो आपको पूछते हैं और आपको वहाँ पर बताना होता है। अगर आप थोड़े भी हिचकिचा गए वो समझ जाएंगे कि आपने संगीत नहीं सीखी है, आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जो है वहीं पर रिजेक्शन हो जाता है। तो अगर आपने संगीत नहीं सीखा है, अभी भी टाइम है इंडियन आइडल को आने का, तो इंडियन आइडल आने के लिए अभी 6-7-8 महीना है, तो 8 महीने बाद तक भी आप सीख सकते हो, तो तब तक आप बहुत सारी नॉलेज ले सकते हो। तो अगर संगीत नहीं सीखा है तो जाइए संगीत सीखिए। तो रह गई ये बात कि मैं आपकी कितनी मदद करता हूँ, यार कम से कम सब्सक्राइब तो करते जाया करो यार, जल्द से जल्द हमें जितनी बड़ी फैमिली हमारी हो सकती है उतनी बड़ी फैमिली हमें बनाना है। और अगर थोड़ी भी वीडियो मेरी आपको हेल्प की लगे तो एक लाइक का बटन भी ज़रूर दबा देना, इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे जितने भी कमेंट्स आते हैं, आपको पता है मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो जितनी भी सारी कमेंट्स आते हैं मैं रिप्लाई करता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप के क्वेश्चंस का मैं आंसर करो तो आप मुझे सब्सक्राइब भी करोगे, मोटिवेशन मेरा बढ़ाओगे, तो इससे होगा कि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ा बनाऊंगा नहीं, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, चलते चलते, टेक केयर।